Hey everyone, hope you guys doing well. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रेजरी नोट्स और बॉन्ड के बारे में। हमने एक वीडियो में ट्रेजरी बिल भी डिस्कस किया था। हम लोग आज इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स और ट्रेजरी नोट में क्या डिफरेंस है। तो ट्रेजरी बिल से स्टार्ट करते हैं। ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था जिसका जो टाइम पीरियड था वो लेस देन वन ईयर था, लेकिन क्योंकि अब हम लोग कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो जो ट्रेजरी नोट्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मेच्योरिटी मोर देन वन ईयर है। तो देखते हैं कि ट्रेजरी नोट और ट्रेजरी बॉन्ड कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ट्रेजरी नोट की जो मेच्योरिटी होती है वो 1 to 10 ईयर्स होती है। जब भी कोई भी बॉन्ड आपको इशू होता है, खरीदते हो और उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम 10 ईयर्स है और उससे एक्सटेंड नहीं करता तो वो ट्रेजरी नोट होगा। और एक ऐसा बॉन्ड जिसकी जो मिनिमम टाइम पीरियड 10 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है तो वो आपके पास ट्रेजरी बॉन्ड होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था, ईयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो किस तरह से होता है। इंटरेस्ट रेट इसका टी बिल्स, यानी कि जो हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था टी बिल्स, जिसका टाइम पीरियड लेस देन वन ईयर था, उससे ज़्यादा होता है। उसकी वजह बहुत सिंपल सी है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। आपको कोई भी, आप भी फॉर एग्जांपल अगर किसी को लोन देना चाह रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ने, मतलब आप अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे 1 साल के लोन दे दो तो आप लोग जल्दी मतलब कन्वेंस हो जाओगे, लेकिन अगर आपको कोई 10, 12, 13 साल के लिए कह रहा है तो आप लोग नहीं होंगे इतनी जल्दी कन्वेंस, ठीक है। और अगर आप लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर के, अगर 1 साल के अंदर रहते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा सालों के लिए आपसे कोई लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली आप लोग ज़्यादा कर दोगे उसके ऊपर। तो यही बेसिक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट रेट क्यों उसके ऊपर ज़्यादा होता है। रिस्क वेरी लो, बिकॉज जो इसको सपोर्ट कौन कर रहा होता है, इसको बैक कौन कर रही होती है, वो गवर्नमेंट कर रही होती है, और गवर्नमेंट के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से इसका जो रिस्क होता है वो बहुत लो होता है, मतलब ना होने के बराबर आप कह सकते हैं, इसका रिस्क होता ही नहीं है। इस वजह से इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता क्योंकि इसका रिस्क बहुत लो होता है इस वजह से। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स जो थे ना, उस मतलब उसके ऊपर ना लोगों को कम इंटरेस्ट गेन हुआ था ड्यूरिंग 1970s और 1980s में। इसकी जो बेसिक रीज़न थी कि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो गया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कह लें कि आज आपको मैंने लोन दिया तो आप मुझे 10 इयर्स या 12 इयर्स के बाद लोन वापस कर रहे हो और मैंने आपके ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रख दिया 5%, तो इन्फ्लेशन रेट 8% हो गया 3-4 साल बाद। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। पहले 10 रुपये के अंदर एक चीज़ आ रही थी, अब नहीं आ रही, अब वो चीज़ 12 रुपये की है, 13 रुपये की है, तो मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इवन कि मैंने इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज भी कर रही हूँ लेकिन उसके बावजूद मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि मुझे नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ था 1970s, 1980s के अंदर कि लोगों को फ़ायदा नहीं था हो रहा कि उन्होंने बॉन्ड्स, क्योंकि 30-30 ईयर्स के लिए बॉन्ड्स थे ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो लोगों ने तो ख़रीद लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट को बेनिफिट हो गया क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा था इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होने की वजह से उनका इंटरेस्ट रेट तो फिक्स था, लेकिन लोगों को नुकसान हो रहा था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए टिप्स आया ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, जो कि 1997 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि टिप्स क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए टिप्स आया था कि जो कि हमारे ये ट्रेजरी बॉन्ड पे इम्प्लीमेंट होता है, ट्रेजरी नोट्स पे बेसिकली होता है, क्योंकि इसका भी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर जाती है तो किस तरह से उस इन्फ्लेशन का जो नुकसान होता है उसको ओवरकम करने के लिए हम टिप्स को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।